हेलो नीटिंग डिज़ाइन में ये देखिए नीचे मैंने प्यारा सा स्वेटर में बॉर्डर बनाया है जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके ऊपर मैंने ये डॉल की डिज़ाइन बनाई है बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डॉल की डिज़ाइन आप बिना बॉर्डर के भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं तो देखिए कितनी आसान और सुंदर सी डिज़ाइन है तो आज के वीडियो में इस डॉल की डिज़ाइन को हम बनाना सीखते हैं कि ये डॉल की डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी देखिए इस डॉल के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे शुरू में आठ फंदे बटन पट्टी के हैं और छत्तीस फंदों में मेरे ये डिज़ाइन है थर्टी सिक्स फंदों में मेरी डिज़ाइन बना रही हूँ जिसमें दो फंदे साइड में एक्स्ट्रा हैं और बाद में हमारे पांच फंदे एक्स्ट्रा हैं और बीच के ट्वेंटी नाइन फंदों में मेरी ये डिज़ाइन बनेगी तो इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो में मैंने आठ फंदे बटन पट्टी के किए हैं दस फंदे पर्पल तीन हमारे ग्रीन छः फंदे हमारे पर्पल तीन ग्रीन और बाकी के साइड के सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर टू है इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल किए इस एक पर्पल को हमें ग्रीन कलर से बनाना है तो ये एक दो तीन चार पांच फंदे ग्रीन एक दो तीन चार फंदे पर्पल और फिर हमारा ग्रीन एक दो तीन चार पाँच और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल ये देखिए रो नंबर थ्री है जिसे पर्पल के ऊपर पर्पल और ग्रीन के ऊपर हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे ये एक दो फंदे ग्रीन अब यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा तो एक हम पिंक से करेंगे एक पिंक के बाद एक दो तीन फंदे ग्रीन अब हमारा पर्पल एक दो फंदे पर्पल एक दो तीन फंदे ग्रीन एक हमारा पिंक कलर आएगा एक दो फंदे ग्रीन और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल ये देखिए रो नंबर फोर में भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया है इस एक ग्रीन फंदे को भी हमें पर्पल कलर करना है और अब यहाँ पे हमारा एक पिंक आएगा एक हम पिंक से करेंगे एक दो तीन चार फंदे ग्रीन के एक, दो हमारे पर्पल अब हमारा फिर ग्रीन कलर एक दो तीन चार फंदे ग्रीन एक हम पर्पल करेंगे सॉरी एक हमारा पिंक और इसके बाद के सारे फंदे हमारे पर्पल ये देखिए रो नंबर फाइव है जिसमें आठ फंदे बटन पट्टी के हैं पांच फंदे पर्पल और उसके बाद हमारा ब्लू कलर तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ये चौबीस फंदे हमारे ब्लू के हैं और फिर यहाँ से हमारा पर्पल कलर आ जाएगा ये देखिए रो नंबर सिक्स है जिसमें शुरू के ये हमारे सात फंदे पर्पल हैं एक और ये ब्लू कलर भी हमारा पर्पल हो जाएगा और फिर हम ब्लू के ऊपर सारे फंदे ब्लू कलर से बनाएंगे ये देखिए पर्पल के ऊपर अरे ये ब्लू के ऊपर सारे ब्लू हो गए लास्ट वाला एक ब्लू फंदा हमारा पर्पल हो जाएगा और यहाँ से फिर सारे फंदे हमारे पर्पल ही हैं ये देखिए वो डोर नंबर सेवन इसमें भी पर्पल के ऊपर सारा पर्पल अब इस ब्लू कलर को हमें पिंक कलर से बनाना है तो एक दो फंदे पिंक और दो फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे एक दो फिर दो फंदे हमारे पिंक कलर और दो फंदे ब्लू ये देखिए दो फंदे ब्लू और दो फंदे पर्पल ये पिंक किया तो एक दो तीन चार पाँच छ बार हमारे पिंक कलर आए हैं और एक दो तीन चार पाँच बार हमारे ब्लू कलर आए हैं और उसके बाद हमारे ये साइड के पर्पल हो गए हैं देखिए रो नंबर एट में ये पर्पल के ऊपर सारे पर्पल हैं इस एक पिंक फंदे को भी हमें पर्पल कलर बनाना है और इसके बाद सारे फंदे हमारे ये पिंक कलर से ही रहेंगे ये देखिए बीच के सारे फंदों को मैंने पिंक कलर कर लिया है ये भी हमारा पिंक हो जाएगा और जो ये एक फंदा पिंक बचा है ये अब हमारा पर्पल हो जाएगा और यहां से फिर सारे फंदे हम पर्पल कलर से बनाएंगे ये देखिए रोल नंबर एट तक ये मेरी डॉल की डिज़ाइन बन गई और रोल नंबर नाइन में हमें सेम कलर पिंक के ऊपर पिंक और पर्पल के ऊपर पर्पल पर कलर से ही बनाना है ये देखिए रोल नंबर टेन इसमें भी पर्पल के ऊपर पर्पल हो गए हैं इस एक पिंक फंदे को हमें पर्पल कलर करना है अब यहाँ पे एक दो फंदे पिंक और दो फंदे हम ग्रीन से करेंगे फिर दो फंदे पिंक और दो हमारे ग्रीन ये देखिए दो पिंक और दो ग्रीन किया तो पिंक के एक दो तीन चार पांच जोड़े पिंक के हैं और एक दो तीन चार बार हमारा ग्रीन कलर आया और इसके बाद के सारे फंदे हमारे पर्पल कलर ये देखिए रो नंबर एलेवन में मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया है अब यहाँ से हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा और अब हमारे सारे फंदे ग्रीन कलर से ही रहेंगे ये देखिए अब यहाँ पे सत्रह फंदे हमारे ग्रीन से हैं और ये जो पिंक कलर है ये अब हमारा पर्पल हो जाएगा और यहाँ से फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रोड नंबर ट्वेल्व इसमें भी सारे फंदे पर्पल के ऊपर पर्पल हैं इस एक ग्रीन को हमें पर्पल कलर करना है और यहाँ से ग्रीन से हमारे पंद्रह फंदे ग्रीन से रहेंगे ये देखिए पंद्रह फंदे मैंने ग्रीन से कर लिया है और इस ये लास्ट वाला ग्रीन अब हमारा पर्पल हो जाएगा और सारे फंदे फिर हमारे पर्पल ये देखिए अब हम रो नंबर थर्टीन पे आ गए हैं तो रो नंबर थर्टीन में हमें पर्पल के ऊपर पर्पल और ग्रीन के ऊपर ग्रीन सेम कलर ये पूरी रो में बनाना है ये देखिए रो नंबर फोर्टीन इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया इस एक ग्रीन पंदे को हमें पर्पल कलर करना है और अब हमारा ग्रीन कलर ये एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात ये सात फंदे ग्रीन के बाद हमारा ब्लैक कलर आ जाएगा और फिर हम ब्लैक कलर से दो फंदे बनाएंगे एक दो फंदे ब्लैक एक दो तीन चार फंदे ग्रीन और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर फिफ्टीन इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल किया है इस एक ग्रीन फंदे को भी हमें पर्पल करना है और अब हमारा ग्रीन एक दो फंदे ग्रीन और इसके बाद हमारा पिंक कलर आएगा एक दो फंदे पिंक एक दो फंदे ब्लैक के एक दो तीन चार पांच फंदे ग्रीन और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर सिक्सटीन इसमें भी पर्पल के ऊपर पर्पल हो गए ये लास्ट के एक दो तीन पर्पल बचे हैं तो इसमें हम यहां पे स्किन कलर आ जाएगा तो एक दो फंदे स्किन एक हमारा पर्पल और ग्रीन के ऊपर हम ग्रीन से ही बनाएंगे एक दो तीन चार फंदे ग्रीन अब हमारा ब्लैक कलर एक दो हम ब्लैक से करेंगे एक दो तीन फंदे पिंक एक दो फंदे हमारे ग्रीन अब यहाँ पे एक हमारा पर्पल आएगा और इसके बाद हम स्किन कलर अब अपने हिसाब से कोई भी स्किन कलर लगा सकती हैं तो एक दो फंदे स्किन और इसके बाद के सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर सेवेंटीन इसमें भी पर्पल के ऊपर सारे पर्पल हो गए हैं इस एक पर्पल को हमें स्किन कलर से बनाना है एक दो तीन चार फंदे स्किन के अब हमारा ग्रीन एक दो फंदे ग्रीन पिंक को हमें पिंक कलर से ही बनाना है ये देखिए पिंक कलर से हमने एक दो तीन चार फंदे पिंक किया इस ब्लैक को हमें ब्लैक कलर से करना है एक दो फंदे हमारे ब्लैक के अब हमारा ग्रीन एक दो तीन फंदे ग्रीन अब यहाँ पे फिर स्किन कलर एक दो तीन चार फंदे स्किन के और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये डॉल की डिजाइन बन रही है ये देखिए रो नंबर एटीन इसमें भी पर्पल के ऊपर सारे पर्पल ये एक स्किन कलर को भी हमें पर्पल करना है अब हमारा स्किन कलर एक दो तीन फंदे स्किन के अब ग्रीन के ऊपर ग्रीन से ही एक दो तीन चार फंदे ग्रीन एक दो तीन फंदे पिंक एक दो तीन चार ग्रीन और फिर यहाँ पे हमारा स्किन कलर एक दो तीन फंदे स्किन और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर नाइनटीन में भी मैंने पर्पल के ऊपर पर्पल किया एक स्किन को हमें पर्पल कलर बनाना है और अब यहाँ पे हमारा स्किन कलर एक दो तीन फंदे स्किन एक दो तीन फंदे ग्रीन के अब पिंक को हमें पिंक से ही एक दो तीन फंदे पिंक एक दो तीन ग्रीन एक दो तीन फंदे स्किन और यहाँ पे हमारा पर्पल कलर और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल से हैं ये देखिए रोल नंबर ट्वेंटी इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल किया एक स्किन कलर को भी हमें पर्पल कलर करना है अब यहाँ पे हमारा स्किन कलर एक दो तीन फंदे स्किन अब हम ग्रीन से करेंगे एक दो फंदे ग्रीन एक दो हमारे पिंक से एक दो तीन ग्रीन एक दो तीन फंदे स्किन और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी वन इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया है इस एक स्किन कलर को भी हमें पर्पल कलर करना है और अब ये देखिए एक दो फंदे हमारे स्किन अब यहाँ पे ग्रीन के ऊपर हमारा ग्रीन कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे ग्रीन के फिर हमारा ये स्किन कलर एक दो हम स्किन से करेंगे और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए अब हम रो नंबर ट्वेंटी टू पर आ गए हैं जिसमें पर्पल के ऊपर सारे पर्पल हैं और ये स्किन कलर भी हमारा पर्पल हो जाएगा तो एक दो तीन फंदे हमारे और पर्पल हो गए अब यहाँ पे हमारा ग्रीन एक दो तीन चार पांच फंदे ग्रीन ये देखिए पांच फंदे ग्रीन के हो गए और बाकी के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रोड नंबर ट्वेंटी थ्री इसमें आठ फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं तीन फंदे पर्पल चार फंदे ब्लैक के चार पर्पल और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे स्किन के चार फंदे पर्पल चार फंदे ब्लैक के और बाकी के साइड के हमारे छः फंदे बचे हैं जो पर्पल कलर से हैं तो इस तरह से ये हमारी रो नंबर ट्वेंटी थ्री तक डिज़ाइन बन गई ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी फोर जिसमें शुरू के पांच फंदे हमारे पर्पल हैं छह फंदे ब्लैक के एक हमारा पर्पल पांच फंदे स्किन पांच फंदे रेड के पांच फंदे हमारे स्किन के एक हमारा पर्पल फिर छह फंदे हमारे ब्लैक के हैं और बाकी के सारे पंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी फाइव जिसमें पर्पल के ऊपर पल पर है जितने सिक्स पंदे ब्लैक को ब्लैक से किया है और फिर यहाँ पे हमारे एक दो तीन चार पांच पंदे स्किन एक रेड एक दो तीन चार पांच पंदे स्किन एक हमारा रेड एक दो तीन चार पांच पंदे स्किन फिर छः फंदे हमारे ब्लैक के एक दो तीन चार पाँच छ और साइड के पांच फंदे बचे हैं जो पर्पल हैं ये देखिए रोल नंबर ट्वेंटी सिक्स जिसमें पर्पल के ऊपर पर्पल ब्लैक के ऊपर ब्लैक, ब्लैक किया है और बीच के सारे फंदे हम हमारे स्किन कलर हो गए जो रेड फंदे भी थे उन्हें भी मैंने स्किन कर लिया है और फिर ब्लैक के ऊपर ब्लैक और पर्पल के ऊपर पर्पल कलर ही लगा है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी सेवन इसमें मैंने पर्पल के ऊपर पर्पल किया और जहाँ से हमारा ब्लैक था वहीं से ब्लैक स्टार्ट किया है तो एक दो तीन चार पंदे ब्लैक के दो हमारे ग्रीन एक हमने ब्लैक से किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये सत्रह फंदे बीच में हमारे स्किन से हैं और फिर इधर एक दो तीन चार पांच फंदे ब्लैक के और साइड में फिर पांच फंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी एट जिसमें ये पर्पल कलर से एक दो तीन चार पाँच छ फंदे पर्पल हैं तीन फंदे ब्लैक के दो हमारे ग्रीन एक ब्लैक तीन फंदे हमारे स्किन के दो हमने ब्लैक से किया चार फंदे हमारे स्किन से दो ब्लैक तीन स्किन दो ब्लैक दो फंदे ग्रीन तीन फंदे ब्लैक और बाकी के सारे फंदे हमारे पर्पल हैं तो इस तरह से ये हमारी रो नंबर ट्वेंटी एट है ये देखिए रो नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें मैंने पर्पल के ऊपर पर्पल किया इस ब्लैक फंदे को भी हमें पर्पल करना है ये एक दो तीन फंदे हमारे और पर्पल हो जाएंगे अब यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर आएगा ब्लैक कलर से ये एक दो तीन चार पांच फंदे ये हमारे हो गए ब्लैक से एक दो फंदे स्किन अब यहाँ पे हम ब्लैक को ब्लैक से ही करेंगे ये देखिए दो फंदे मैंने ब्लैक से कर लिया है अब हमारा स्किन कलर एक दो तीन चार फंदे स्किन अब इस ब्लैक को हमें फिर ब्लैक फैलर से, से करना है एक दो फंदे ब्लैक ये देखिए दो स्किन के बाद दो फंदे ही हमारे पर्पल के रहेंगे अरे सर ये दो फंदे हमारे ब्लैक के हैं अब यहाँ ग्रीन के ऊपर हम ग्रीन से ही करेंगे एक दो फंदे हमारे ग्रीन अब हमारा यहाँ पे ब्लैक यहां से फिर सारे फंदे हमारे पर्पल हो जाएंगे ये देखिए रो नंबर थर्टी इसमें भी पर्पल के ऊपर सारे पर्पल हो गए हैं अब ये जो ग्रीन फंदा है इसे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे तो ब्लैक कलर से एक दो तीन चार और एक पाँच पांच फंदे ब्लैक के बाद हमारा स्किन कलर आ जाएगा अब बीच के हमारे सारे फंदे जो हैं वो स्किन कलर से हो जाएंगे ये देखिए बीच में हमारे स्किन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस फंदे हमारे स्किन से हो गए और इसके बाद हमारा ब्लैक कलर आएगा ये ब्लैक कलर से एक दो तीन चार पाँच फंदे ब्लैक और फिर बाकी के सारे फंदे हमारे पर्पल ये देखिए रो नंबर थर्टी वन इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया ब्लैक को मैंने सारे ब्लैक कर लिया ये एक स्किन कलर को भी हमें ब्लैक कलर करना है और अब हमारा स्किन कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे स्किन और फिर हमारा यहाँ पे ब्लैक कलर एक दो तीन चार पाँच छः पंदे ब्लैक और फिर बाकी के सारे पंदे हमारे पर्पल हैं ये देखिए रो नंबर थर्टी टू इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर पर्पल और ब्लैक को ब्लैक से ही किया है एक ये स्किन कलर भी हमारा ब्लैक हो जाएगा अब हमारा स्किन कलर से एक दो तीन चार पाँच छः फंदे स्किन और फिर हमारा यहाँ से ब्लैक कलर आ जाएगा और ये देखिए जहाँ तक हमारा ब्लैक है उसे ब्लैक कर लेंगे और पर्पल के ऊपर पर्पल कलर से ही बनाएंगे ये देखिए रो नंबर थर्टी थ्री इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल कर लिया इस एक ब्लैक फंदे को भी हमें पर्पल बनाना है और यहाँ से हमारा ब्लैक कलर एक दो तीन चार पाँच सात और एक आठ फंदे हमारे ब्लैक से एक दो तीन फंदे हमारे स्किन और फिर हमारा ब्लैक कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ ये नौ पंदे हमारे ब्लैक हो गए और फिर बाकी के सारे पंदे हमारे पर्पल हैं तो ये देखिए इस तरह से कितनी खूबसूरत सी हमारी डॉल की डिज़ाइन बन रही है ये देखिए रो नंबर थर्टी फोर में मैंने पर्पल को पर्पल से किया इस एक ब्लैक पंदे को हमें पर्पल करना है और यहाँ से अब हमारा ब्लैक कलर एक दो तीन चार पच सात, आठ और एक नौ नौ बंदे हमारे ब्लैक हो गए बीच में एक हमारा स्किन और फिर हमारा ब्लैक कलर और ये देखिए जहाँ तक हमारे ब्लैक को ब्लैक से करेंगे और पर्पल को हमें पर्पल कलर से ही बनाना है ये देखिए रो नंबर थर्टी फाइव इसमें भी मैंने पर्पल के ऊपर सारे पर्पल इस एक ब्लैक को हमें पर्पल बनाना है ये देखें और यहां से अब हमारा ब्लैक कलर और ये सारे ब्लैक कलर ये स्किन कलर भी हमारा ब्लैक हो जाएगा और फिर यहाँ लास्ट यहाँ तक ब्लैक के ऊपर ब्लैक रहेगा और यहाँ पर्पल के ऊपर पर्पल कलर से ये हम पूरी रो को बनाएंगे ये देखिए रो नंबर थर्टी सिक्स इसमें भी मैंने पर्पल को सारे पर्पल कर लिया इस एक ब्लैक फंदे को हमें पर्पल कलर करना है और अब यहां से हमारा ब्लैक कलर और ये देखिए जहां तक हमारे ब्लैक फंदे को ब्लैक तक करना है और जहां से पर्पल फंदे हैं वहां से हम पर्पल कलर से ही सेम कलर लगाते हुए बिन ये देखिए रो नंबर थर्टी सेवन इसमें भी मैंने पर्पल को सारे पर्पल किया है अब इस एक ब्लैक फंदे को हमें ये पर्पल कलर बना दिया और अब हम ब्लैक के ऊपर सारे फंदे ब्लैक से ही बनाएंगे ये देखिए ब्लैक को मैंने सारा ब्लैक कर लिया लास्ट में एक ब्लैक फंदा बचा है अब यहाँ से हमारा पर्पल कलर आ जाएगा और फिर आगे के सारे फंदे हमारे पर्पल रहेंगे ये देखिए रो नंबर थर्टी एट जो इस डिज़ाइन की आखिरी रो है इसमें भी मैंने पर्पल को पर्पल कर लिया है और ये एक दो तीन फंदे हमारे और पर्पल हो गए अब यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ ये नौ फंदे हमारे ब्लैक हो गए और इसके बाद के फिर सारे फंदे हमारे पर्पल कलर से ये देखिए थर्टी एट रो में मेरी ये डॉल की कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बन करके तैयार तैयार होगी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन तो आइए अब डिज़ाइन का ग्राफ देखते हैं ये देखिए इस डिज़ाइन का ग्राफ है इस ग्राफ की हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी थैंक यू